कहते हैं मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक मेरे जन्म का प्रश्न है, वो तो अपने पूर्व नियोजित समय पर ही हुआ, किंतु मेरे जन्म के हजारों वर्ष बाद भी नियति ने मेरी मृत्यु के समय और स्थान के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि मेरे जीवन की दशा देखकर इस बात की संभावना भी बनती है कि विधाता ने नियमानुसार मेरे जन्म की भांति मेरी मृत्यु का समय भी निर्धारित किया था, किंतु मेरी परिस्थितियों और मेरे कर्मों, जिन्हें शायद दुष्कर्म कहना ज्यादा बेहतर होगा, उनके फलस्वरूप नियति ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना ही उचित समझा। मेरे समय में कुछ ऐसे समकालीन ब्रह्मज्ञानी व तत्ववेत्ता लोग भी थे, जो यदि आज जीवित होते तो शायद मुझे मेरी मृत्यु के विषय में कुछ बता पाते, परंतु यह भी मेरा ही दुर्भाग्य है कि वो एक एक करके शताब्दियों पूर्व स्वर्ग या नर्क जाने कहां गमन हो गए, और मैं आज भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में पृथ्वी पर अकेला, बेसहारा और बेहाल भटक रहा हूँ। जब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है तो सामान्य मनुष्यों की भांति मेरा भी रोने का मन करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों से अश्रु निकले ताकि मेरा मन हल्का हो सके, लेकिन मेरा दुर्भाग्य अपनी चरम अवस्था पे है, और वो मुझे ऐसी अवस्था में ले आया है जहाँ अब मेरी आंखों में अश्रु भी नहीं निकलते, उनके स्थान पर भी नेत्रों से रक्त की बूंदे ही टपकती है। मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक पीड़ादायक 5 अबोध बालकों की हत्या और निर्दोष उत्तरा के गर्भस्थ बालक के वध से उत्पन्न ग्लानि का दंश है। मेरे उसी दुष्कर्म के दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने मुझे यह श्राप दिया कि मेरे तन के घाव कभी नहीं भरेंगे, और मैं इस तड़ी काया को लिए हजारों वर्षों तक इसी प्रकार पृथ्वी पर भटकता रहूंगा। श्री कृष्ण ये श्राप देकर भी नहीं रुके, उन्होंने अपने छुरे से काट कर मेरे मस्तक की वह दिव्य मणि भी निकाल दी जो जन्म से मेरे मस्तक में लगी हुई थी। वही मणि मेरी असाधारण बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत थी। उस मणि का घाव मेरे माथे से आज भी रिसता है। मेरा जीवन पशु से भी बदतर हो गया है, और मैं स्वयं जीवित होकर भी किसी सड़े गले शव से अधिक कुछ नहीं हूँ। यूँ कहने को मैं चिरंजीवी हूँ, अमर हूँ, किंतु पूर्ण सत्य यह है कि मैं श्रापित हूँ, कलंकित हूँ, और इस विशाल काय पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मेरे दुख को कम कर सके। यह मेरे अपयस की पराकाष्ठा है कि समूची पृथ्वी पर आपको मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जी हाँ, मेरा नाम अश्वत्थामा है और मैं आज भी जिंदा हूँ। तो ये था अश्वत्थामा का परिचय खुद अश्वत्थामा के ही शब्दों में। लेकिन अश्वत्थामा एक और चीज कहते हैं जो मुझे और तुम्हें शायद दोनों को सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना लंबा जो श्राप दिया है वो जायज था। क्योंकि अगेन अश्वत्थामा कहते हैं कि मैंने इन बीते हजारों वर्षों में मानव सभ्यता को अनेक बार करवट लेते देखा है। मैंने असंख्य युद्ध देखे हैं, मैंने रक्तपात देखा है, मैं घोर नरसंहार का साक्षी रह चुका हूँ। मैंने मनुष्यों को राक्षसी कर्म और जघन्य पाप करते भी देखा है, परंतु मैंने आज तक किसी पापी, अधर्मी या हत्यारे को इस तरह का रौरव कष्ट भोगते अथवा ऐसा शापित जीवन जीते कभी नहीं देखा। मैंने कृष्ण द्वारा दिए कठोर दंड को स्वीकार तो लिया, परंतु एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठता रहा कि श्री कृष्ण ने मुझे इतना लंबा श्राप क्यों दे दिया। तो उनके पापों के अलावा कोई और भी रीजन होगा जिसकी वजह से अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं, किसी को रोकने के लिए या किसी और युद्ध का हिस्सा बनने के लिए। और अब हमारे सामने कल की 2898 एडी में अमिताभ बच्चन एस अश्वत्थामा दिख भी चुके हैं हमें प्रॉपरली। उनका डीएज्ड वर्जन भी देखने को मिला है जो कि वाकई में एक योद्धा वाली वाइब दे रहा है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मूवी पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहाँ पे शायद द्वापर युग और कलयुग दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। अब सवाल यह भी आता है कि अगर अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई थी तो वो मणि अब है कहाँ पे? क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर है अभी तो अश्वत्थामा ने उसे ढूंढा क्यों नहीं? तो या तो वो पृथ्वी पर है ही नहीं, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर होती तो इतने सालों में अश्वत्थामा उसे अब तक तो ढूंढ ही लेते। तो ऐसा माना जाता है कि ये मणि अब पृथ्वी पर है ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने इसे ऐसे आयाम में छुपा दिया है जहाँ पर अभी महाभारत का युद्ध हुआ भी नहीं है। यानी इसे तुम एक लूप की तरह समझो, अपने वाले अश्वत्थामा से मणि छीन ली गई है और किसी पैरेलल आयाम में, किसी दूसरी दुनिया में एक ऐसे अश्वत्थामा को अब वो मणि दी जाएगी जिसने अब तक कोई कर्म नहीं किया है। और जब उस आयाम में अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों को मारेगा तो उस आयाम से फिर वो मणि छीन ली जाएगी और फिर एक ऐसे आयाम में भेज दी जाएगी जहां पर अश्वत्थामा ने कोई पाप नहीं किया था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इट्स जस्ट अ थ्योरी। और ऐसा भी हो सकता है कि कल की 2898 एडी में इस मणि का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। कहते हैं कि रियलिटी से बड़ा कोई फिक्शन नहीं होता, और ये जो किस्से हैं ये कहानियां बिल्कुल नहीं लगते। और यही वजह है कि मैं कल की 2898 एडी मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी
तुम बताओ कि तुम्हें ये अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक कैसा लगा। और अश्वत्थामा से रिलेटेड तुम्हारे मन में और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना।